एक गांव में एक किसान रहता था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम कामता था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, जिसकी वजह से वह उसे बहुत ज्यादा प्यार था। एक बार वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं शहर कमाने जा रहा हूँ, शाम तक वापिस आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना और किसी से बात मत करना। तब उसकी बेटी कहती है, ठीक है पापा, आप चले जाओ और जल्दी आना, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकेले डर लगेगा। इसके बाद उसके पापा घर से निकल जाते हैं और वह अपने पापा को गेट तक जाते हुए देखती रहती है। जैसे ही उसके पापा जाते हैं, वह बैठ जाती है और सोचने लगती है। उसके पड़ोस में उसकी चाची रहती है, जो बहुत ही बेकार होती है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है। जैसे ही उसकी चाची को पता चलता है कि आज कांता के पापा नहीं है, तो वह उसके घर की तरफ को चल देती है। और उसके घर पहुंच जाती है। कांता उसे देखकर स्टूल पे से उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी चाची उससे बोलती है कि बेटा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, क्या तुम मेरे घर का काम कर सकती हो? इतना कहने के बाद वह कांता की तरफ देखती है। कांता कहती है कि हाँ चाची, क्यों नहीं, आपकी तबीयत बेकार है तो मैं क्यों नहीं आपके घर का काम कर सकती। आप जाइए और मैं आपके घर आती हूँ और आपके घर का काम करट के वापिस अपने घर आ जाती हूँ। इतना सुनने के बाद उसकी चाची अपने घर की तरफ चली जाती है और घर पहुंचकर वह कांता का इंतजार करने लगती है। जब कांता अपनी चाची के घर पहुंचती है, तब उसकी चाची कहती है, बेटा तुम इतने काम करो, मैं इतने आराम कर लेती हूँ, और उसकी तरफ देखती है ये कहते हुए। तब कांता कहती है, हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आप आराम करो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। इतना सुनने के बाद उसकी चाची घर से निकल जाती है और अपनी पड़ोस की सहेली के पास पहुंचकर वहां पर अपनी सहेली से गप्पे लड़ाने लगती है और कहती है, आज तो मैंने कांता को बेवकूफ बना दिया है और उससे अपना घर का सारा काम करा लिया। तब उसकी सहेली कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, जिसकी वजह से वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। कांता जब घर पहुंचती है, तब उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा तुम इतने टाइम से कहाँ थी, मैं घर में तुम्हारी राह देख रहा था। तब कांता कहती है, पिताजी मैं चाची का काम करने गई थी, वो बीमार थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तब कांता के पिताजी कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, अपनों की हमेशा मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो हमेशा खुश रहें। तब कांता कहती है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी आगे से। अगले दिन जब कांता अपनी चाची के घर काम करने के लिए जाती है, तब कांता की चाची कहती है, बेटी आज तुम लेट कैसे हो गई हो? और कांता कहती है कि चाची, मैं अपने घर का भी काम करती हूँ, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपका घर का सारा काम करके चले जाऊंगी, आप आराम करें। तब उसकी चाची उसकी बात सुनकर और अपनी सहेली के पास पार्क में बात करने चली जाती है। तभी कांता के पिताजी आते हैं और कांता की चाची को वहां पर बात करते हुए देखते हैं। तब वह सोचते हैं, यह कितनी बेकार औरत है, जो मेरी बच्ची से झूठ बोलकर काम करा रही है। और वह अपने घर की तरफ चल देते हैं और घर पहुंचकर कांता से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी चाची तुमसे झूठ बोलकर घर का सारा काम
करा रही है, तो आगे से ध्यान रखना और उनकी बात पर ध्यान मत देना। तब कांता कहती है, ठीक है पिताजी। अगले दिन कांता की चाची उससे आकर कहती है कि बेटी मेरी तबीयत खराब है और तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई, मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तब कांता गुस्सा होकर कहती है, चाची मैंने तो आपको अपनी माँ समान समझा था और आप मुझसे ही झूठ बोलकर काम कराने लगी। अगर आप मुझसे सच कहती तो क्या मैं आपके घर का काम नहीं करती, आज से मेरे घर बिल्कुल मत आना। उसके चाची के जाने के बाद वह अपने पापा से बताती है कि पापा आज चाची आई थी और मैंने उनसे मना कर दिया कि आज के बाद हमारे घर कभी मत आना।